ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को दरख्वास्त जमानत में तरमीम करने की मोहलत दे दी। अदालत की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर तकनीकी एतराज दूर करने की भी हिदायत कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को दरख्वास्त जमानत में तरमीम करने की मोहलत दी है और अदालत की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर तकनीकी एतराज दूर करने की भी हिदायत। इसी बारे में बात करते हैं, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस बताइए, क्या एतराजात उठाए गए थे और कितनी मोहलत दी गई है एतराजात दूर करने के लिए? जी देखें, इन कैमरा साइफर केस की समाअत जो है वो हुई है और जिसमें सिर्फ प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला ही मौजूद थे और दौरान समाअत जो है वो जो प्रोसिक्यूशन की जाने से आज समाअत ना करने की दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर जो है वो दलाइल दिए गए हैं और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त पर जो समाअत है वो 14 सितम्बर तक मुलतवी की है। कैसा की जमानत की दरख्वास्त अलग जो है वो सुनी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई के वकला को दरख्वास्त जमानत पर तरमीम करने की जो है वो मोहलत दी गई है। अदालत ने कहा कि अदालत चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर तकनीकी एतराजात दूर करने की जो हदायत है वो भी दी है। प्रोसिक्यूशन ने सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ मुंसलिक न होने पर तकनीकी एतराज जो है वो उठाया था, जिस पर अदालत ने जो है वो उनको ये दूर करने की मोहलत दी है और कहा है कि असद उमर की जमानत का मामला जो है वो हम अलग सुनेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत तक चेयरमैन पीटीआई के वकला को दरख्वास्त पर तकनीकी एतराजात दूर करने की हिदायत करते हुए है और साथ ही चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर एफआईए की तकनीकी एतराज की दरख्वास्त जो है वो भी तौर पर मंजूर कर दी है। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।